नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल्स पे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ MI TV के बारे में। और आज मैं आपको बताऊँगा, यदि आपके पास कोई भी एंड्रॉयड टीवी है तो एंड्रॉयड टीवी में आप कैसे कोई भी HDMI को डिफ़ॉल्ट HDMI में कर सकते हैं और कैसे HDMI डिफ़ॉल्ट करना है, सब कुछ सेटिंग्स आपको मैं इस वीडियो पे बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहें और देखते जाएं कि कैसे आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने टीवी पे जैसे आप देख सकते हो होम स्क्रीन पे आना है। तो इस तरह से आपको होम स्क्रीन में आ जाना है। होम स्क्रीन में आने के बाद आपको क्या करना है कि आपके अपने टीवी पे सेटिंग ढूंढनी है कि आपको सेटिंग कहाँ पर डली हुई है और सेटिंग में हमको कैसे जाना है। तो वो चीज़ को सबसे पहले आपको पता कर लेना है। तो यहाँ पर से आपको क्या करना है, सबसे ऊपर स्क्रॉल करके सबसे ऊपर आपको आ जाना है। ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर से देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन का, और नोटिफिकेशन के बाद आपको इनपुट्स मिलेगा, इनपुट्स के बाद सेटिंग्स मिलेगी और यहाँ पर आपको ID मिलेगी और टाइम्स बगल में बताएगा। तो आपको क्या करना है कि सेटिंग्स में ओके करना है। और जैसे ही आप सेटिंग्स में ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको इंटरनेट और नेटवर्क सेटिंग्स आएगी, इनपुट आएगा, इनपुट्स आएगा, अकाउंट्स एंड सिंगिंग आएगा, फिर इसके बाद ऐप्स आएगा, डिवाइस प्रेफरेंस आएगा और इसके बाद रिमोट एक्सेसरीज आएगा। तो यहाँ पर आप नेटवर्क में आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद आप इनपुट में आएंगे तो इनपुट में भी आप कुछ नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद आप आगे आएंगे तो सेटिंग्स में सब चेक कर लेंगे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप डिवाइस प्रेफरेंस में भी आ सकते हैं। तो यहाँ से आपको कोई भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर पूरी सेटिंग्स आपको मिलेगी टीवी की। फिर इसके बाद आपको बैक करना है। फिर इसके बाद रिमोट एक्सेसरीज में आपको कोई नहीं होगा, जो डिवाइस आपकी कनेक्ट होगी वो डिवाइस यहाँ पर आएगी। फिर इसके बाद आपको इनपुट्स में आ जाना है। तो इनपुट्स में आपको इस तरह से कुछ आना है और इनपुट्स में जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ और कैसे आपको वो सेटिंग्स को करनी है, सेटिंग्स को मैं पूरी जानकारी आपको दे दूँगा। तो वीडियो पर बने रहें और देखते जाएँ। तो सबसे पहले आ रहा है आपका कनेक्ट इनपुट। कनेक्ट इनपुट आपका क्या है, कनेक्ट इनपुट जो आपका सबसे पहले जो बॉक्स लगा हुआ आप देख सकते हैं, मेरे पास ये बॉक्स लगा हुआ है सनडायरेक्ट का और यहाँ पर मेरा जो इनपुट है तो HDMI पोर्ट पे लगा हुआ है और HDMI पोर्ट से कनेक्ट है मेरा पूरी तरह से। तो जो मेरा डिवाइस है तो यहाँ पर आपका जो कनेक्ट है तो उसको ऑलवेज मतलब सो दिस इनपुट में आप यदि करना चाहते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं। पहला आपका HDMI 2 है, ब्लू रे हो गया, केबल हो गया, DVD हो गया, गेम कंसोल हो गया और AX हो गया और कस्टम नेम्स हो गया। तो ये चीज़ें आप डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहां पर इनपुट शो में क्लिक करना चाहते हो तो क्लिक कर दें, तभी आपको वहाँ पर इनपुट शो करेगा और तभी आपको वहाँ से जब टीवी को ऑन करके ऑफ करेंगे डिफ़ॉल्ट आपका तभी बनेगा। फिर इसके बाद आप बैक करेंगे तो आपको यहाँ पर से देख सकते हैं स्टैंड बाई में आपको कौन सी डिवाइस को रखना है। यदि आपको स्टैंड बाई में AV में रखना है, HDMI 3 को रखना है, HDMI 1 को रखना है तो आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर से AV जो भी आपको यहाँ पर से कनेक्ट करना है तो आपको वहाँ पर से इसको कनेक्ट कर देना है। फिर इसके बाद HDMI 3 में तो यहाँ पर भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको HDMI 3 में आपको क्या चीज़ कनेक्ट करना है और क्या चीज़ लगाना है। फिर इसके बाद CEC ऑप्शन आता है, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको तीन ऑप्शन दे रहे हैं। तीन ऑप्शन में कौन कौन से दे रहे हैं आप देख सकते हैं। पहला HDMI कंट्रोल हो गया। HDMI कंट्रोल में ऑलवेज द TV टू कंट्रोल HDMI डिवाइस। तो इसको आपको क्या करना, ऑफ नहीं करना है, इसको आपको ऑन रखना है। यदि ऑफ कर देंगे तो आपका HDMI जो पोर्ट होगा वो ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा, वो फिर आपको रिमोट से जाके चेंज करना पड़ेगा तभी आपको होगा। फिर इसके बाद आपको नीचे आता है तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। फिर इसके बाद आता है डिवाइस ऑटो पावर ऑफ। तो इसमें डिवाइस ऑटो पावर ऑफ में आप देख सकते हैं पावर ऑफ HDMI डिवाइस विथ द TV। तो इसमें आप देख सकते हैं ये ऑप्शन मांगता है, तो इस ऑप्शन को आपको ऑन करके रखना है, ऑफ नहीं करना है। फिर इसके बाद आपको आता है TV ऑटो पावर ऑन। TV ऑटो पावर ऑन कैसे होगा, यदि आपका HDMI पोर्ट में लगा हुआ है तो देख सकते हैं पावर ऑन द TV विथ HDMI। तो यदि आपका HDMI कनेक्ट है तो यहाँ से आपका जो पावर है तो डायरेक्ट आपका ऑन हो जाएगा और डायरेक्ट HDMI पोर्ट में आपको चेंज हो जाएगा। और नीचे आपका सोर्स का है। तो इस तरह से आप अपने डिफ़ॉल्ट HDMI को कर सकते हैं। कोई भी एंड्रॉयड TV आपकी है तो उस एंड्रॉयड TV को आप यहाँ से कंट्रोल करके HDMI पोर्ट को आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे। तो नमस्कार।